देख लो भाई, फ्रिज जो हमने क्राउन के खोला है, अब नया सामान लाए हैं हम आपको दिखाते हैं। ये क्राउन केस जो नया लाए हम, जो टूट गया है था ना, वो ये रहा टूटा वाला। ये देख लो यहाँ पर, ये देखो सही से दिखा दियो, ये सब टूट गया था, अब नया ही लाए हैं हम। और ये कस्टमर लाए हैं, कौन सी कंपनी का है, कोई सिंबल तो है नहीं, अपने हिसाब से ले आए हैं। और ये रहा उनका जो स्टार गियर, ये नया वाला जो टूट गया था ना, ये रहा सब टूटे हुए माल यहाँ पर है, आप देख सकते, सही से देख लो। और ये नहीं, ये स्टार गियर नहीं है, ये उनके चक्कर, ये निडल बेरिंग, ये सीम सभी नहीं। ये लाए हैं आरपीजी कंपनी के है। तो अब हम फिट कैसे करते हैं वो देखो। पहले क्या करते हैं, हम इनमें जो कॉन है ना, बेरिंग के कॉन, वो निकाल लेते हैं इन दोनों, और वहीं पर डाल देते हैं। और जो क्राउन का चक्कर है ना, वो भी हम फिट कर देते हैं। बाद में स्टार गियर किस तरह से वो लगाते हैं वो आपको दिखाते हैं। हम ये क्राउन के फिटिंग करने का अब जॉब हम शुरू करते हैं। मित्रों देख लो, अब यहाँ पर पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। आपके पास जिस तरह से हो, कूपी हो तो कूपी से डाल सकते हो, या किसी भी तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लेने का पहले। ऑयल लगा लिया, ये वाला वॉशर जो बोलते हैं ना, ये वॉशर यहाँ पर रख दो। अंदर की ओर दोनों चक्कर सेम टू सेम लगेगी आपको, ये देखो ये दोनों चक्कर एक ही। लेकिन क्या है, एक चक्कर में इनके दांते कम हो गए और ये ज़्यादा हो गए। ये है अंदर वाला जो छोटा, छोटे दांते दिखाई देते आपको, ये अंदर का दांता होगा 22 ये वाला, और बाहर का होगा 24, और ये वाला बाहर का 24 होगा और अंदर का 17। जो 17 जो है ना, कम दांते वाला 17 वाला, वो 17 वाला जो दिखाई देता है ना, 17 दांता, ये गिनने का 70 17 1 2 3 4 ऐसे गिन लेने का, और ये अंदर रखने का, ऐसे अंदर रखने का इस तरह से। ये बात आपको खास समझ में आनी चाहिए कि ये कम है, जो दांते कम है वो अंदर की ओर रखेंगे। अब ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार लगाएंगे, ये वाला स्टार किस तरह से लगाते हैं हम दिखाते हैं आपको। ये स्टार गियर ऐसे लगा लो चारों ओर, और चारों ओर लगा लिए। ये इनका वॉशर है, जो सिम्स भी बोल सकते हो आप, ये चार है, वो भी चारों चारों सामने सब डाल दो। ये हो गया अपना स्टार तैयार, ये स्टार तैयार हो गया। इसे ऐसे ऐसे रख दो, रख दिया, ऐसे लगा लो, अब बैठ गया, देखो आपके सामने बैठ गया। यहाँ पर थोड़ा ऑयल लगा लो, ऑयल लगा लिया। अब क्या करने का, ये वाला चक्कर जो मैंने बोला है कि अंदर के जो है वो 22 है, 1 2 3 ऐसे 22 है, 22 वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे ऐसे ऐसे रखेंगे। हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लो, और ये वॉशर ऊपर वाला ये यहाँ पर रख दो। हो गया, अब क्या करने का मित्रों, ये वाला क्राउन के वो बिठाने का। बिठाने से पहले क्या करने का आपको सही से दिखाता हूँ। ये वाला नंबर यहाँ देखो,
ये वाला नंबर इस तरह से यहाँ पर आएगा, ये वाला नंबर वो आमने सामने रखने का, ये इस तरह से देखो आमने सामने हो गया। अब क्या करता है, इनके राउंडिंग के बोल जो लॉक की पत्ती है लॉक की पत्ती ऐसे रखो इस तरह, और ये बोल्ट लगा दो। अब मित्रों क्या करता हूं, ये सबके सब बोल्ट मैं लगा लेता हूँ, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये वाला, ये लॉक है, लॉक की पत्ती लगाओ और ऊपर अंदर बोल्ट लगा लो। लेकिन ख़ास ध्यान क्या रखने का, अंदर के चक्कर वाले को, जो बेबी चक्कर बोलते हैं हम तो यहाँ पर बेबी चक्कर बोलते हो, आप क्या बोलते हो हमें मालूम नहीं है, कौन क्या बोलते हो वो मालूम नहीं है, लेकिन जो छोटे वाला हिस्सा हो इस चक्कर का वो क्लच साइड रहेगा, क्लच की बाज। और जो बड़ा हिस्सा है इसका, बड़े दांते जो ज़्यादा कम दांते 17 दांते, वो ब्रेक की साइड रहेगा, वो खास याद रखने का। यानी कि क्या ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर है, ऊपर 17 का डालने का दांत चक्कर 17, और बाहर का जो हिस्सा है वो तो 24 से 24 दोनों साइड एक ही होगा। अब मैं ये बोल्ट में पहले फिट कर लेता हूँ। ये क्राउन केज आपने देख लिया किस तरह से फिट होता है, आपने देख लिया ना कहाँ पर किस तरह से कैसे चक्कर लगाते हैं। अभी हमने लगा लिए हैं और ये बोल्ट भी ऐसे ही कस लिए हैं, लेकिन क्राउन ऊपर ले जाएंगे बॉडी में तब फुल कस लेंगे, लेकिन अभी देख लो ये ऐसे फ्री घूम रहा है, देखो आपके सामने देख लिया। अब ये जो टाइट हुए ये मानो कि आपने लगा लिया और ये घूमता नहीं है, तो क्या करने का ना भाई लोग, अंदर जो सिम्स आते हैं ना, जो ये चक्कर तो टूटा हुआ, मैं ये चक्कर के ऊपर जो सिम्स लगाते हैं ना वो निकाल देने का और पतला वाला डालने का, और ये पतले वाला डालो तब भी ऐसा हुआ तो क्या थोड़ा घिस लेने का, उसको घिस लेने का और लगाने का। ऐसे पैसे लगाने के बाद आप चेक कर सकते हो, एक दो बार ऐसा हो सकता है कि पुराना डालते हो, लेकिन नया हो तो कोई दिक्कत तो है नहीं, नया में तो स्टैंडर्ड साइज ही चढ़ती है, इसमें स्टैंडर्ड ही लगा लिया हमने। आप देख सकते हो इजीली घूम रहा है, देख लिया आपके सामने। तो मित्रों अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग मुझे एक लाइक दे दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मेरे में क्या गलती हो गई है, कोई काम करने में कोई गलती हो गई तो आप कमेंट में बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वो लोग शेयर कर दो जिससे हमारा हौसला और बढ़ जाए। अच्छा मित्रों ये क्राउन केज अब हमने कर लिया, अब हम ट्रैक्टर में लगा लेते हैं, किस तरह से फिटिंग हुआ आपने देख लिया। अच्छा मित्रों